दिल मांगे मोर, मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट थोड़ा सा डाउन है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से इन्वेस्ट करने का। तो मनी मनी कहाँ है मनी, आइए देख लीजिए मेरा टॉप 3 पिक। और जिसमें से दो दो कॉइन से तो ऑलरेडी मुझे हजारों का मुनाफा मिल चुका है। उन दोनों कॉइन का भी नाम बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट जो कॉइन मैं बोलूंगा उस कॉइन पे इमीडिएट इन्वेस्टमेंट, आज ही के आज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हे गाइस, दिस इज देव फ्रॉम बिटबोल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मनी मंत्रा। कॉइन्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक ह्यूज अपडेट, आई एम श्योर ज्यादा से ज्यादा लोग ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, विच इज एनएफटी में इन्वॉल्वमेंट। लास्ट वन मंथ पे, मतलब ये मैं अगस्त का बात कर रहा हूँ, OpenSea जो एक NFT का मार्केट प्लेस है, रेवेन्यू इज एक महीने में $3 बिलियन। ये एक हिस्ट्री है। NFT इज नथिंग बट शोइंग योर आर्ट इन अ डिफरेंट लेवल। आप में से कोई अगर आर्टिस्ट हो जिसको पेंटिंग आता है, मतलब ऑब्वियसली डिजिटल ड्राइंग, जिसको म्यूजिक का शौक है, आप लोग क्यों NFT मार्केट से पीछे हो? थोड़ा सा रिसर्च करो, NFT मार्केट में इन्वॉल्व हो जाओ। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2021 से अभी तक ये जो सेकंड क्वार्टर चल रहा है, NFT इज द ओनली मार्केट प्लेस विच इज बूमिंग। आपको अगर NFT में कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम लोग अपडेट देंगे। लेकिन आप में से कोई अगर ऐसा आर्टिस्ट हो जो NFT में इन्वॉल्व होना चाहते हो लेकिन मार्केट के बारे में पता नहीं है, पर्सनली कॉन्टेक्ट कीजिए, वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक इमीडिएटली। तो फर्स्ट कॉइन इज कावा, ये एक DeFi प्लेटफॉर्म है। कावा ने 3 नया अपडेट कर रहा है, कावा मिंट, कावा लिट एंड कावा स्वॉप। विद दिस 3 ह्यूज अपडेट्स, कावा हैज ओपन्ड द गेट फॉर ऑल डे एंड स्विंग ट्रेडर्स। ऊपर से आज कावा का जो प्राइस मूवमेंट है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि कावा का ह्यूज प्राइस मूवमेंट, प्राइस करेक्शन होने वाला है बाय एंड ऑफ टुडे। तो ये रहा लास्ट 24 आवर्स का कावा का अपडेट, कावा का प्राइस मूवमेंट, जहां पे स्टार्ट होके 9.21 से स्टार्ट होके प्राइस डाउन 7.57, ऑलमोस्ट $2 के आसपास डाउन है। तो इसके मतलब वेलकम, आप आज सुबह का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहां पे मेंटेन कर रहा है $7.5 to $8 के बीच में, इट्स अ कंप्लीट इंडिकेशन टू वेलकम ऑल दोस डे ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स। ह्यूज मूवमेंट, I have already invested in this point. As a day trader, आपको जो सबसे जरूरी चीज notice करना है, which is the support level. और उस support and resistance level पे price का movement कितना देर तक टिक सकता है। As you all can see, support and resistance level cross करके ये जब ऊपर जाता है, there is a huge possibilities to maintain that growth till next level. अभी वो लेवल कौन सा है, विच डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड, बट मैं इधर क्लियरली देख सकता हूँ RSI 6 अबव 66, विच इज वेरी वैलिड पॉइंट। साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का जो खेल इधर सुबह से चल रहा था वो ऑलरेडी टूट चुका है। ये मूवमेंट दोपहर को 12:30 से स्टार्ट हुआ था, अभी देखना पड़ेगा कितना आगे तक जाएगा। बट मेरा मानो तो ये, आप अगर डे ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आने वाले 2-3 दिन या एक हफ्ते तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। सो नाउ आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू, नाउ डू योर ओन मैथ एंड गेट इन्वॉल्व इन कावा। नेक्स्ट वन इन माई लिस्ट, जिसके बारे में मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ, विच इज Fetch.ai। दिस कॉइन इज नोन फॉर ब्लॉकचेन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाला कॉइन स्टिल अर्ली फेज में है, इसका जो प्राइस है बहुत ही लो है। लास्ट वीक कोई 26th of August पे Coinbase Pro पे भी लिस्ट हुआ है नया। आज इसका जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है विच इज 51.31 रुपीज। बैक इन जुलाई जब मार्केट बहुत डाउन था, उसी टाइम मैं Fetch.ai पे इन्वेस्ट कर चुका था, जब उसका प्राइस था $0.26, विच इज लाइक 19 रुपीज के आसपास। आज इसका प्राइस बढ़ के 51 रुपीज पे गया है, और आई वॉज वेरी स्टूपिड कि मैं बस इस पे $70 ही इन्वेस्ट किया था। सो विद इन जस्ट 2 मंथ्स माय $70 इन्वेस्टमेंट हैज बिकेम $176.72। आप देख सकते हो $106 का प्रॉफिट लास्ट 2 मंथ्स में मुझे दे चुका है। एज आई सेड अर्लियर कि ये वाला कॉइन फिर भी अपना अर्ली स्टेज पे है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से $106 का जो प्रॉफिट है वो मेरे लिए बहुत कम है।
क्योंकि आप Fetch.ai का जो एक्चुअल चार्ट है आप उस पे देखिए, इस चार्ट के चलते मुझे ये पता चल रहा है कि Fetch.ai का जो ऑल टाइम हाई प्राइस था विच इज 0.87, अभी जो करंट प्राइस है 0.65, 20 सेंट्स का डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस लेवल 0.87 का एंड गो टिल $1 इन कमिंग डेज। मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट कैन गेट टू $1 इन नो टाइम, क्योंकि जब से मैं लिया हूँ तब से ये ऑल टाइम बुलिश पोजिशन पे है। सो सिंस मैं ये कॉइन पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो इफ आई वॉन्ट टू री इन्वेस्ट इन दिस पोजिशन बहुत स्टूपिड डिसीजन होगा। सो इसके लिए कौन सा एक्चुअल मूवमेंट होगा फिर से इस पे री इन्वेस्ट करने का, उससे पहले मैं आपको एक चीज इससे पहले भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूँ। एज अ प्रो ट्रेडर आप अगर चार्ट के ऊपर डिपेंड करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, सी देयर इज अ W, चलो इस पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल खींच देते हैं। तो ये वाला W कैसे डिपेंड करता है कि ये बुलिश W है या फिर बेयरिश W है। आप इस पे देख सकते हो जहां से ये वाला W स्टार्ट हुआ था, ये वाला मूवमेंट, इसके मतलब बेयरिश टू बुलिश, उसके बाद ये W क्रिएट हुआ है। तो अगर मैं इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस लेवल मान के चलू, क्लियरली इट इज शोइंग अ बुलिश पैटर्न। तो आने वाले टाइम पे इसको हम बेयरिश W कब कहेंगे, जब इसका जो ये प्राइस मोमेंटम है ये ऊपर के तरफ ना जाके ये नीचे के तरफ फिर से ट्रेवल करना स्टार्ट करे, तब इसको हम फिर से बेयरिश पैटर्न कहेंगे। लेकिन आज के मूवमेंट से मैं इसको देख पा रहा हूँ कि ये अल्टीमेट बुलिश पोजीशन पे है, जहां पे ये अपना रेजिस्टेंस और इसका जो सपोर्ट है $0.20 का जब मैंने इसको खरीदा था, और जो एक्चुअल रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक कर चुका है तो $0.40 का, ये जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर चुका है उसके बाद जाके इसको देखो और नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मैं $0.40 का रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। सो ये आने वाले टाइम पे भी ऊपर की तरफ जाएगा। सो एज आई वॉज मेंशनिंग अर्लियर कि कब मुझे इस पे फिर से एंट्री लेना चाहिए, इस मोमेंट पे तो मुझे उसका पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आने वाले सितंबर पे तो मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे की तरफ आया भी, जब तक ना इसका प्राइस, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है $0.40 का, ये $40 क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है 0.30 या फिर 0.20-0.25, उससे पहले मैं इस पे एंट्री नहीं करना चाहता हूँ। बट एज अ फ्रेश इन्वेस्टर आप अगर आज ही के आज इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अप टू यू, क्योंकि इसका प्राइस इनिशियल मूवमेंट पे है, ये आने वाले टाइम पे और ऊपर जाएगा, देयर इज नो डाउट इन इट, सिंस आई हैव बीन ऑलवेज बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर फेट कॉइन। Now it's up to you. Go do your own studies. Check out their Twitter handle. Check out their official website and make your move. Aaj ke liye last coin, which is Solana. All time best $120.50. Kal raat ka hi baat kar raha hu. $120. Abhi jo iska trending price hai $118.30, which is very obvious. Market mein Sol also known as Ethereum killer. क्योंकि सोलाना का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो पोटेंशियल है, साथ ही साथ NFT एंड DeFi मार्केट में जो इसका इन्वॉल्वमेंट है, इथेरियम से कम नहीं है। करंटली सोलाना इकोसिस्टम पे 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है, और सबसे जो कैचिंग पार्ट है, जो इसका गैस फीस है, इथेरियम का गैस फीस से कहीं गुना कम है, एंड आने वाले टाइम पे कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग। इसके चलते क्या सोच रहे हो आप कि अभी सोलाना पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, अनलेस यू वांट टू सुसाइड। सो बैक इन जून मैं सोलाना पे इन्वेस्ट किया था, जब उसका प्राइस था $42.17 और आज इसका प्राइस है $120। मैंने $168.64 इन्वेस्ट किया था, आज के डेट में विच बिकेम $473.60। सो अराउंड $310 का रिटर्न पे तो अभी के लिए मैं हूँ। बट नाउ व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी योर इनिशियल स्टेप टू गेट इन्वॉल्व, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन व्हेन यू शुड इन्वॉल्व। सो हियर वी गो, आप इधर देख सकते हो 26th of December 2020 पे जब सोलाना का प्राइस $1.3 था, आज 30th of August सोलाना का प्राइस $120.50। इसे कहते हैं रिटर्न, और क्या चाहिए। सोलाना का अभी का जो पीरियड चल रहा है विच इज यू कैन कॉल विच इज अ अल्ट्रा बुलिश पीरियड, लेकिन आप अगर सोलाना पे इन्वेस्ट करना चाहो
क्या ये सही टाइम है कि ये जो टॉप पे $120 जहाँ पे है उधर आप इन्वेस्ट करो? फ्रॉम दिस व्यू इसका कोई भी एंट्री पॉइंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट एज वी ऑल नो कि हर एक टाइम नया ऑल टाइम हाई के बाद एक करेक्शन का मूवमेंट आता है जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस नीचे गिरता है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, सी इधर देखिए हाई टू लो वाला इधर जो एक कर्व आया है, सेम वे 120 के बाद भी इधर एक हल्का सा प्राइस का जो करेक्शन है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका डाउनफॉल मोस्टली आप 105 और 110 एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अगर डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेना चाहते हो तो $100 और 110 शुड बी योर आइडियल पोजीशन, बट नॉट नाउ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली अबव 60 आई डोंट थिंक सो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस पे। इसका प्राइस मूवमेंट नेक्स्ट बियर मार्केट के चलते अगर 60 या फिर 60 के नीचे आए तो डोंट मिस दैट चांस, फिर से इस पे रीइन्वेस्ट कीजिए। बट अभी के लिए सोल को अपना कमिंग डेज पे मस्ट बाय ऑप्शन पे रखिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आज का ये पूरा अपडेट आपके लिए क्लियर एंड हेल्पफुल रहे। साथ ही साथ एनएफटी इन्वॉल्वमेंट पे अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर ऑफिशियल मेल आईडी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। देव साइनिंग ऑफ।